बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका जो इंतजार है वो पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सैमसंग इस फोन को इंडिया में लॉन्च भी कर दे तो मैक्सिमम लोग जो इस फोन का इंतजार कर रहे थे अब शायद इस फोन को ना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली में हुआ क्या, आइए जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप सैमसंग इस फोन को इंडिया में लॉन्च भी कर दे तो मैक्सिमम जो लोग इस फोन का इंतजार कर रहे थे अब इस फोन को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तो ये फोन बहुत महंगा है, तो हर कोई तो इसका इंतजार नहीं कर रहा था। तो जो भी प्रोमिनेंट बायर या फिर कस्टमर इस फोन का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए भी दोस्तों अब इस फोन को खरीदना काफी मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने देखने को मिली है। यहाँ पर जिन भी लोगों ने इस फोन का रिव्यू किया है, मतलब कि जिन भी लोगों को ये फोन मिला था एज ए रिव्यू यूनिट, एज ए टेस्टिंग यूनिट, उन सभी के फोन में डिस्प्ले का एक काफी बड़ा इशू आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली में जिनको भी ये फोन मिला था उनमें से काफी लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि जो डिस्प्ले है वो क्रैक हो गया है, डिस्प्ले में कुछ यहाँ पर धब्बे आ गए हैं, डिस्प्ले बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर आधा वर्क कर रहा है आधा वर्क नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग जो इस फोन को यूज कर रहे थे उन सभी ने इस फोन के डिस्प्ले में प्रॉब्लम बताई है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों 2 लाख का फोन और अगर वो स्टेप से बिहेव करे, मतलब कि बिल्कुल भी रिलायबल ना हो, तो हम लोग दोस्तों उस फोन को क्यों लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा करके कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, इनके साथ पहले भी दिक्कत हो चुकी है नोट 7 के केस में, आप सभी जानते हो सैमसंग को सारा का सारा स्टॉक मार्केट से उठाना पड़ा, पेमेंट करनी पड़ी, ऑप्शन देनी पड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों ये अच्छी बात है कि गैलेक्सी फोल्ड अभी तक मार्केट में नहीं लॉन्च हुआ है, तो सैमसंग को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली में दोस्तों यहाँ पर दिक्कत यही हुई है कि हम सभी जानते हैं जो ग्लास होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो एक फोल्डिंग फोन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ग्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी पॉलीमर का, जिस भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है वो दोस्तों यहाँ पर रिलायबल नहीं है। और दोस्तों यही कारण था कि आज तक एमोलेड स्क्रीन के होते हुए भी हम लोग एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला फ़ोन नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पर सैमसंग ने कोशिश की है और भी कंपनी ने कोशिश की है, बट दोस्तों अब ये भी देखना होगा कि अगर सैमसंग का फोन फोल्डिंग के टाइम पर फेल हो जा रहा है, डिस्प्ले क्रैक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, फूट जा रहा है, तो और जो कंपनीज यहाँ पर दावा कर रही है नए नए फोल्डेबल फोन्स को लॉन्च करने का, तो अब उनमें भी दोस्तों देखना होगा कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का इंतजार कर रहे थे तो शायद दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो इंतजार है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, मतलब कि अब वो डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें इस फोन का इंतजार नहीं करना है, नहीं लेना है। बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि शायद अगर आ जाए तो सैमसंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और हमें जो यूनिट मिले, मतलब कि जिस प्रोडक्ट को, इस फोन को वो खरीदें, उसमें ऐसी कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो काफ़ी लोग दोस्तों अभी भी होंगे जो कि इस फोन को खरीदना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं उन दोनों कस्टमर्स को, मतलब कि जो छोड़ रहे हैं और जो खरीदने की अभी भी सोच रहे हैं, उन सभी से यही कहूँगा करके कि अगर आप फोन को छोड़ रहे हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो तो एक बार दोस्तों जो फाइनल यूनिट, मतलब कि लॉन्च होगी, उसको एक बार अच्छे से परखें, देखें कि लोग क्या कहते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर मॉल्स में जाइए, शोरूम में जाइए, उनको फिजिकली चेक कीजिए, देखिए कि जिस फोन को आप खरीदने जा रहे हो या फिर जिस फोन को आप इग्नोर करने जा रहे हो उसमें क्या सच में ऐसी दिक्कत है, मतलब कि उस फाइनल यूनिट में क्या सच में ऐसी दिक्कत है। अब उसी पर दोस्तों आप डिसाइड करें कि आपको ये फोन लेना है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत दुखद समाचार है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई क्वारी है तो आप दोस्तों वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में इस टाइप की दिक्कत देखने को मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वर्ण मुखुड़ी का हेरी जो तेरी जो कुड़ी माँ मेरी मोलार सोरी गे हो।